नवाखाई लोकां दा मता मता मलार करनी आ। जेहड़ी साड़ी जम्मू कश्मीर दी धी इस वेले मेरे कन्ने बैठी दी आ, मी नहीं लगदा मी ना लैने दी लोड़ है। ए ताज जड़ा उंदे सिरा उपर तुसी दिखा करदे हो, इथों कोई पता लगी जाना तुसें कि मैं कौन मेरे कन्ने इस वेले बैठा, पर तां भी सुनाई ओड़नी आ कि साड़े अपने जम्मू कश्मीर दी धी मिसिस वर्ल्ड सरगम कौशल इस वेले मेरे कन्ने बैठी दी आ। बड़ा प्राउड फील हो रहा मिगी कि मैं इंदे बगल च जड़ा ओह बैठी नहीं आ। सब तो अच्छी गल ए लगदी कि ऐ बनी दी मिसिज वर्ल्ड है, पर लगदी आ मिस गई हले भी, ये कुदूं नहीं लगा रही है कि ये बोई दी है, क्योंकि अक्सर आए दिखने होंने, अक्सर आए दिखने होंने कि ब्याह दे वाचू कुड़ियां दा वजन जड़ा है वो बददा ही जांदा है। मैं अपनी एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर इनेंगी जे मैं दिखा तो राज के है। पहले तो मैं ये जानना चाहनी है क्योंकि मैं भी थोड़ी अपने ताई टिप्स मंगा रही हूँ। पहले तो थैंक यू वेरी मच, इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन आपने दी, एंड सॉरी मैं आपके साथ डोगरी में बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे इतनी अच्छी डोगरी नहीं आती है, क्योंकि आप भी जानते हैं मेरी मम्मी है कश्मीरी, पापा हैं डोगरे, तो घर में लैंग्वेज वॉर ही चलता रहता था। अल्टीमेटली जिस लैंग्वेज के ऊपर सब अग्री करते थे वो थी हिंदी। तो बट थैंक यू, वेट लॉस या वेट गेन का तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने बहुत वेट लॉस कर लिया है पिछले कुछ महीनों में। कितना कितना बोला? आई थिंक 5 किलोज। आई वाज प्रीटी, आई वोंट से मैं बहुत मोटी थी या बहुत हेल्दी थी, बट ठीक थी, मुझे सही लगता था। बट देन वेट लॉस हुआ बिकॉज ऑब्वियसली मेरा शेड्यूल वैसा था। बट कुछ नहीं है, बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खाना अच्छे से खाइए। मैं तो सब कुछ खाती हूँ, बट आई थिंक मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे रहे हैं कि मैं वेट गेन नहीं कर पाई कभी। बचपन में बड़ी परेशान रहती थी कि मोटी नहीं हो पा रही हूँ, अब सोचोगे कि ठीक है नहीं हो पा रही हूँ, सही बात है। अभी मेरे लाइन ऑफ वर्क में आई थिंक मुझे, मैं जितनी फिट रहूँ, जितना ज्यादा घूम फिर सकूँ, ये को 50-40 हो नहीं, नहीं हाँ कह सकते हैं। और सब तो ज्यादा यह केड़ा सवाल है जिद को तंग पी दे कि हर कोई आई हुआ पूछ रहा, क्योंकि मैं नहीं हूँ पूछना चाहूंगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो लोग बहुत बार बार पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है जीत के। ऑफकोर्स अच्छा ही लग रहा है, बुरा तो नहीं लगेगा। और कोई पूछ रहा है कि आप वो मोमेंट कैसा था आपके लिए जब आप आपके सर पे क्राउन, वो तो लभी यहाँ वीडियो जगह के, हाँ शॉक थी ऑफकोर्स। और आगे के क्या प्लान, बॉलीवुड के प्लान्स बताइए। तो मुझे कैसे पता होगा बॉलीवुड के प्लान्स, बिकॉज अगर आपके पास हैं तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई प्लान्स नहीं है बॉलीवुड के। बिग बॉस में जाएंगे या नहीं, ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं लोग। आई थिंक इसको, आई डोंट नो, कुछ चीजों को लोगों ने ऐसे माइलस्टोन बना दिया कि बिग बॉस, यू नो, बॉलीवुड ये माइलस्टोन्स हैं। आई थिंक अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीजें हैं ये भी, बट देन देर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ, एंड आई रियली वॉन्ट टू डू ऑल ऑफ दोज ऑल्सो, एंड लेट्स सी क्या करते हैं। तो ये क्वेश्चन मत पूछेगा। हाँ, ये मैं तइयों वाक्य में पहले पूछी लेना, बंदा तंग पई जांदा। और मिगी ए दसो कि सवेरे दी मैं तुहें दिखानी कि इन्नी वड्डी स्माइल तुहें रखी दी, उत्थे असें दिखिया पेजन शोर दे टाइम भी तुहें एड्डी वड्डी स्माइल रखी दी हुंदी, क्योंकि कैमरा ना सारे पर चारों बखी तुहें कि कैमरे ने घेरे दा। तंग नहीं पई जांदे कई बार इयां कि यार नहीं हो आ रहा हूं जबरदस्ती, पर ता भी इं के रखे रहा। नहीं, पर मेरी स्माइल इतनी अच्छी है, मैं क्यों ना स्माइल करूं। कुड़िया कॉम्प्लीमेंट कोई दे नहीं दे, आप ले लेंदी हूं कॉम्प्लीमेंट ऊपर ऊपर ना। दोनों पेरेंट्स मेरे, दोनों की स्माइल बहुत अच्छी है, मुझे आई थिंक वो स्माइल उन्हीं से मिली है, तो मुझे तो शो ऑफ करना बनता है, एंड स्पेशली आई लाइक माई टीथ वेरी मच, एंड सो आई लाइक शोइंग देम ऑफ। अच्छा तुम मिगी ए दसो, मैं तुंदे मम्मी डैडी कन्ने मिली, बड़े सारे साडे रिपोर्टर दे साथ ही जेड़ा उंदा भी इंटरव्यू लिया, साडी टीम ने भी लिया, तुंदे कन्ने भी मलाटी कीती, तो मैडम हुन अगर मिसिज वर्ल्ड बनी दी ते तुंदे मिस्टर जी कुत्थे ने, क्योंकि मम्मी काफी देर दी धुप्पा नी कि मिस्टर जी भी सामने आ, कुते पता लगे कि कौन ऐसा तुंदा मतलब साथी हा जेड़ा हर टाइम उन्ने तुहें की सपोर्ट कीता, उन्हें मतलब कि कैमरा शाये है या है? हाँ बहुत कैमरा शाये हैं वो। मैं जब एयरपोर्ट से आ रही थी, जब आई थिंक लंदन में मेरा स्टॉप था, तो लंदन से इंडिया आ रही थी वापस, तो उन्होंने सारी मीडिया सब जनता सामने खड़ी और मेरे पति सबसे पीछे बुके लेके खड़े और सबसे एंड में मेरे पास आए कि चलो सबका हो जाए फिर मैं आता हूँ। ही इज वेरी शाय। दूसरी चीज ये कि पर वो डोगरी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो नेक्स्ट टाइम कभी वो आएंगे तो मैं आपसे जरूर, मेरी तो गलबात करनी बन जी, आप फिर तो कैमरे पर आना पड़ना। जी जी जी, बट हाँ उनका बहुत सपोर्ट रहा है, वो इसीलिए ज्यादा सामने नहीं आता है बिकॉज मैंने कहा कैमरा शाये तो है ही, प्लस उनकी जॉब ऐसी है, मैं उनको ज्यादा छुट्टी लेने के लिए नहीं बोल सकती हूँ, एंड यू नो ही सर्विंग द कंट्री एंड आई एम डूइंग इन माई ओन वे, वो अपने तरीके से कंट्री सर्व कर रहे हैं। वो तो बड़ी शाल गल है। जम्मू के रोने वाले
वो बख्शीनगर के तो उठे डोगरी बोलना बिल्कुल अमेजिंग हाँ तो ही कदे कोशिश की कदे डोगरी बोली थी कार को है कहते हाँ एक्चुअली मैं अपनी दादी के साथ बहुत डोगरी बोलती थी वहां ही सीखना शुरू की थी बट देन जब शी पास्ड अवे तो उसके बाद मैंने कभी किसी के साथ डोगरी में बात ही नहीं की आज मैं तुझे मम्मी डैडी दिखानी बड़े खुश लगा देना है उनके चेहरे तो पता लगा रहा है कि वो अपनी कुड़ी के ऊपर कितना प्राउड फील जड़ा वो करा कर दे रहा है तुंदे सोरिये भी इयां के खुश होने ना तो तुस उंदे बारे च किश दसो मां प्यो दी गल तां सारे कर लैंदे ने पर जेहड़े साडे इन लॉज हुंदे जिंदे कहने हुण अगे आए जिंदगी बतानी है उंदा कनेहा रिस्पांस है ओ किन्ना प्राउड फील करा रहे या उने जिस वेले तुसें गी इस ताज कने दिखया ते के हा उंदा मतलब रिएक्शन के हा एक्चुअली सो अगर आप जानते हैं कि डिफेंस लाइफस्टाइल कैसा रहता है हम लोग हमेशा अपने परिवार से अलग ही रहे हैं हस्बैंड वाइफ बच्चे ये एक छोटा सा परिवार होता है और आपका जो मेन आपके मम्मी पापा आपके सास ससुर वो कभी आपके साथ रह ही नहीं पाते हैं बिकॉज पोस्टिंग्स राइट तो जितना टाइम मुझे लगता है मैंने इनके साथ बिताया उतना उससे तो बहुत ही कम उनके साथ बिता पाई हूँ क्योंकि ऑफकोर्स वो इंटरेक्शन उतना हो ही नहीं पाता था कभी तो ऑब्वियसली दूर से ही सही पर ब्लेसिंग्स हमेशा उनकी साथ में है फोन पे बात होती है वीडियो कॉल ये सब कर लेते हैं बस इससे ज्यादा तो नहीं बट देन ये बहुत जरूरी है कि ब्लेसिंग्स साथ में रहें सो ऑफकोर्स दे आर वेरी हैप्पी तो उसमें ये दसो कि जिस वेले तुम तैयारी करा रहे बहुत सारी चीजें ऐसी दिमाग च होंदी है तो कोई मेंटर चाह रहा होंदा अपना कि कोई तुहानू प्रॉपर जड़ा वो गाइड करे तो तुसे उस वेले कोरी सहायता ले कुन्ने तुंदी मदद कीती कुन्ने तुसेंगी सही दिशा जड़ी है दसी तुम्हारा रोल मॉडल मेरे उस टाइम पे तो जब मिसेज इंडिया खत्म हुआ और फिर मिसेज वर्ल्ड की तैयारी शुरू हुई तो 5 महीने का 6 महीने का टाइम था मेरे पास जिसमें मेरी ट्रेनिंग चलती थी तो उस ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया वो मेरी ट्रेनिंग अकेडमी जो है कोकोबेरी ट्रेनिंग अकेडमी जहां पर मॉडल्स पैजेंट विनर ये सब ट्रेन होती हैं तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया अंजलि और अलीसिया राव दोनों सुपर मॉडल्स हैं और वो मुझे रैंप वॉक की ट्रेनिंग देती थी और इस सब के साथ साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है आपको स्टेज पे कैसे बात करनी है आपको रिस्पॉन्स देना जी आपको कितना क्विक होना है अपने थिंकिंग में वो सब सिखाती थी प्लस उसके साथ साथ वो पर्सनली भी मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी कभी मैं खाना खा के नहीं आई हूँ तो मेरे लिए खाना ऑर्डर कर देंगी एंड दे आर आई मीन दे डोंट हैव टू डू इट क्योंकि वो अपने लेवल पे सब बहुत ऊपर हैं मुझसे बहुत ऊपर हैं बट स्टिल वो इतने सब लोगों के बीच में मुझे वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो बहुत अच्छा लगता है एंड ऐसे ही लोग अगर आपको लाइफ में मिलते रहे तो क्या चाहिए और तो उसमें ये दसो कि जिस वेले तुम्हें आख्या कि तैयारी करा रही जी मिस इंडिया तो खिताब जीती आए फिर अगली मिस वर्ल्ड मिसिस वर्ल्ड की तैयारी एक आखते ना कि एक होंगे कि तुम हूँ ये खिताब भी जरा जितना क्योंकि उम्मीदा तुम्हारे को बड़ी हो जाए जिस वे एक खिताब जीती लिया तो वह जरा टाइम तुम्हें क्या जिस वे मिस इंडिया का खिताब तो जीती लिया लेकिन मिसिस वर्ल्ड की तैयारी करा रही कि प्रेशर ही उस वे तुम्हारे उपर नर्वस है या हाँ कि चलो मैं एक हासिल कर लिया एक खिताब में जरा जीती लिया तो चलो हूं अगे की तैयारी जी मैं आराम करी सकनी आहा केशा या जर्नी जी है वह थोड़ी डिफिकल्ट ही जर्नी डिफिकल्ट थी दो ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी मिल रही थी बट जर्नी इसीलिए डिफिकल्ट थी क्योंकि वो 21 साल का एक कहते हैं ना एक सपना था जो काफी लोगों ने देखा था अदिति गोवत्रिकर जो पहले मिसेज इंडिया मिसेज वर्ल्ड बन चुकी हैं वो मुझे जब फोन करती थी तो कभी कहते थे कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम जरूर जीतोगी तो ऐसा लगता था कि इनविजिबल सा भार मेरे शोल्डर्स के ऊपर है और वो मुझे फुलफिल करना है एंड बट स्टिल वही है कि क्योंकि सही लोग अगर आपके साथ होते हैं तो आपको आप उस प्रेशर को थोड़ा डिवाइड कर लेते हो बट प्रेशर था उस वजह से ही मैंने जैसे कहा ना कि स्ट्रेस की वजह से बहुत वेट लॉस हुआ मेरा बिकॉज मैं अपने मेरा तो स्ट्रेस करे बदल ही जाएगा मेरा बूटा ही होता सबके साथ अलग अलग पर आप क्यों लेते हैं स्ट्रेस आप इतने सही कर रहे हैं लाइफ में नहीं पता दबाऊंगा तो सही क्या लगता है तो उसमें ये दसो कि अक्सर आए दिखने की कुड़ियां स्ट्रेस बहुत लेंदी है ना और फिर उन्दी राती दी नींदरा गायब हो जाती है फिर डेलियां दे खाल खाले जड़े काले दब्बे जड़े पौंदे ने कि तुंदे कन्ने वी हुंदा कि पूरी पूरी राती नींद नहीं आंदी या मेरे अंग तुसीं वी पखे दिखदे रहंदे कि यार कोले सवेर हो बस सोचदे रहंदे ऐसा कुछ हुंदा हां ऑफ कोर्स मिसेस वर्ल्ड बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था मेरी जिंदगी का और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत रातों की नींद खराब की है लेट लेट शूट से वापस आई हूँ खाने कभी खाना खाया कभी नहीं खाया कभी डिनर का नहीं पता कभी ब्रेकफास्ट का नहीं पता पर थिंकिंग होती थी कि कल और अच्छा करूंगी
स्ट्रेस होता था ऑफ कोर्स, जो आप काले धब्बों की बात कर रहे हैं, इन मेकअप इस मेकअप के नीचे आपको बहुत सारे ऐसे धब्बे मिलेंगे, पर झूठ नहीं बोलना चाहूंगी बिकॉज ऐसा सच है, बिकॉज स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको मोटिवेट भी करता है ये, तो मुझे मेरे स्ट्रेस ने बहुत मोटिवेट किया, तो ये तो मेरे कहते हैं ना वो शूरवीर के जो छाती पे जो गोलियों के निशान होते हैं ना, ये वो है मेरे लिए। मैं ए भी तुंदे को पूछना चाहगी कि जिस वेले मतलब तुस तैयारी करा रहे, तुसे एक खिताब जड़ा वो हासिल किया, उस वेले जिस वेले अनाउंसमेंट होनी ही कि कौन है विनर कौन है, वो जड़िया आंदे नी साड़ी कुड़िया ही लत्तां कंबदियां, बॉडी पूरी शिवर हुंदी, मुंह पूरा लाल हो जांदा, नैचुरल ग्लो तो इयां ही आ जांदा क्योंकि नर्वसनेस हुंदी है, वो किस लेवल दी ही वो पूछना चाहगी, वो तो है ही, वो तो मैं पता किस लेवल दी। तो मैं आपको ये बताती हूँ, मुझे जब टॉप थ्री अनाउंस हो गए, मुझे ना अपने इंस्टिंक्ट पे बहुत भरोसा है, मुझे लगता है अगर मैं किसी लेवल तक पहुंचती हूँ ना तो भगवान मुझे फिर टॉप लेवल तक पहुंचा ही देता है, इतना भरोसा मुझे है। कंपटीशन भी काफी, कंपटीशन बहुत फियर्स था, यस। और मैं तो बैक स्टेज पे मिसेस कनाडा को बोल के भी आ गई थी कि यू आर द विनर, तो अभी आगे क्या करने वाली हो तुम। तो फिर जब उसको सेकंड रनर अप अनाउंस किया, तो आई थॉट कि अगर ये नहीं जीती तो कौन, थॉट ओके पॉलिनेशिया जीत जाएगी शायद, बिकॉज शी इज ब्यूटिफुल, शी गेव अ गुड आंसर, और हर एक चीज उसके बारे में हर एक चीज परफेक्ट थी। एंड देन जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा शायद उसका नाम अनाउंस किया, पर जब मेरा हुआ तो यू सॉ द रिएक्शन, आपने देखा होगा टीवी पे वो रिएक्शन क्या था। विश्वास सच में नहीं होता आपको उस मोमेंट में, पर धीरे 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 जब मैं अपने सामने लोगों को इंडिया इंडिया चिल्लाते हुए सुन रही थी, जब मेरा फ्लैग सामने, अस बड़ी तैयारी करने होने, बड़ी प्रैक्टिस करने होने, पर ता भी जिस वे पेपर देने जाओ सब कुछ आने के बावजूद भी इं होता कि नहीं पता नहीं होग, पता नहीं होग, और जड़ा वो हील्स अपर चलना और इन्ना ब्यूटीफुली वॉक करना इन्ने सोने तरीके करने, मतलब वो हील्स अपर तो तुम्हें रज्जिए प्रैक्टिस की होनी, yes. पर नहीं किन्ने साल तू करा रहे, बचपन तू पाई होनी, पर जिस वेले एहो ले प्रोग्राम होंगे, जिस वेले तो स्टेज अपर होने, उस वेले भी लगता कि यार इन्ने साल की प्रैक्टिस तो है, पर के पता कुछ भी हो ही सकता है, क्योंकि अहें दिखने होने बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स जड़े ना उन्दे कने भी एहो लिहा हाथ होते कि चलते चलते ड्रेस कई बार इन्ना अनकंफर्टेबल हुंदा है कि डर लगा रहा है, तो वो डर हुंदा और उस डर की तुस एक स्माइल करने वो कियां जड़ा वो अगे ले जाने उन्हें उस बारे च दस्सो। मिनट याद दिला दिया, मेरे साथ हुआ था ऐसा, इयां होया स्टेज पे, हां हां बिल्कुल हुआ है। मेरा प्रिलिमिनरी राउंड चल रहा था, आपने देखा होगा अगर मैंने रेड कलर का गाउन पहना था, एक सिंगल शोल्डर वाला, और हील्स पहनी थी, हील्स का जो बकल था वो ड्रेस के साथ अटक गया। अच्छा। थैंकफुली ये तब हुआ जब मैं ऑलमोस्ट स्टेज से बाहर निकल रही थी। अच्छा। बट वो जब अटक गया मुझे लगा कि यू नो अभी अभी उस स्माइल को चेहरे पर लगी, हाँ, बट फिर भी मैंने कर लिया। सेकेंड टाइम जब स्विम सूट राउंड था, तो ऑब्वियसली आप ऑलरेडी पहले ही बहुत कॉन्शियस होते हो कि आप एक स्विम सूट पहन के इतने लोगों के सामने खड़े हो, और फिर मुझे घूम के स्टेज पे खड़े होना था, और मैं स्टेज से बाहर चली गई और पीछे चली गई, और फिर जाके याद आया, यू नो आई हैव टू गेट बैक ऑन स्टेज, एंड देन चोरी चोरी वापस से अपनी जगह पे जाके खड़ी हो गई। सो दैट वाज, ये सब चीजें होती रहती है, बहुत नर्वसनेस होती है, पैर कांपते हैं और हील्स में तो और ज्यादा कांपते हैं, बट हमें सिखाया जाता है कि यू नो 5-6 महीने की जो ये ट्रेनिंग है इसमें यही सिखाया जाता है कि आपको हील्स में सबसे अनकंफर्टेबल प्लेटफॉर्म पे भी कैसे चलना है, तो सामने है exactly. पौड़ियां खा लो, चलते चलते कुरे गड़ा पकड़ी डिगी, ये तो पौड़ियां नहीं थी वहां पे, थैंकफुली नहीं थी। अच्छा, तो तुम्हें जिया आख्या कि स्विम सूट पर जल्द तुम्हें वॉक करनी होंगी वो पाइये, तो काफी कॉन्शियस होंगे, तो एरे पर गल बात करा जाएगी। हुन अहें जम्मू शहर जड़ा साड़ा एडा बड़ा ले है नहीं है कि इत्थे साड़ी जम्मू दी तियां जड़ियां स्विम सूट पाए, ते तुहें जले फर्स्ट टाइम शूट कीता स्विम सूट कन्ने, ते घर आले ते तुंदे सपोर्टिव है, ओ ते मैं ही पता लगी आंटी अंकल कोला, है ना। ते तुस मी ये दसो कि बाकियां दा कदे डर पिया कि रिश्तेदारियां दा, दोस्तियां दा, बाकी सोसाइटी ने क्या आखना, यार उपर टेलीविजन उपर आना और कुसे कोई दिक्कत ना आए, या मेरे पर कोई ओ ना आए कि कनेहा पा रहा है, क्योंकि आजकल कपड़े पर बड़ी जड़ी चर्चा चलती है, जी, जी, है ना जी। बाकी काम उपर कुड़ी दा टैलेंट जड़ा उसी बाद च रख दे, बंदा जड़ा है ओ निकर पाइए स्टेज पर पूरा फिरी आए, और उपर कोई कमेंट नहीं हुंदा, उल्टा ओरी बॉडी दी तारीफां हुंदी, आए हाय के एब्स बनाए दे, के इन्ने बाइसेप्स बनाए दे, पर उहे कुड़ियां जिस वेले स्विम सूट च वॉक कर दियां या कुसे भी फील्ड च होन, जे उन्हें शॉर्ट्स पाए रही अगर वो स्पोर्ट्स च ना,
तो उंदी लत्तियां पर बड़ा कमेंट होंदा, उंदे कपड़े पर बड़ा कमेंट होंदा, उंदा टैलेंट जिहड़ा उह बाद च दिखिया जांदा। कोई अच्छी डांसर हो उहदे डांस मूव्स की नहीं दिखणगे, दिखणगे उहने पहनावा के पाया। तो इन सारी चीजें की तुसीं कियां टैकल कीता, कियां जिहड़ा उन लोकें की जवाब दे दो जो इहो लई सोच रखदे ने? इनके लिए एक ही जवाब है मेरे पास, के जवाब तो नहीं है बट एक क्वेश्चन बोलूंगी, वो ये है कि आप एक औरत को एक बीवी और एक माँ इसके अलावा किसी और रोल में क्यों नहीं देख सकते हो? क्या मुश्किल है उनको और किसी रोल में देखना? एक इंडिपेंडेंट औरत, एक औरत जिसको अपनी बॉडी बहुत प्यारी है। आई लव माई बॉडी। मैं बचपन से बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहती थी कि मैं इतनी पतली हूँ, मेरी टांगें इतनी इतनी पतली हैं, मेरे मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मैं हजार तरह की दवाइयां खा ली, हर खाना खा लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब भी वैसी की वैसी, लोगों को तब भी मुझसे प्रॉब्लम थी कि इतनी पतली है, सुकड़ी थी। हाँ, और अब जब मेरी बॉडी को मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया, तब भी लोगों को दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है कि वही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो कहते ही रहेंगे। सोसाइटी के बारे में मैंने सोचना बहुत साल पहले छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे लिए मैटर नहीं करते। मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स, सब लोग इतने सपोर्टिव रहे हैं, मुझे कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट हाँ, उन लोगों के लिए अब स्पेशली अगर मिसेस वर्ल्ड की बात करें, आई स्पेशली रिमेम्बर वन इंसिडेंट वेरी क्लियरली। मिसेस बांग्लादेश थी, बहुत ही ब्यूटीफुल नाम, पी बिपाशा नाम है उनका, और वो हम स्विम सूट राउंड के लिए रेडी हो रहे थे, एंड वो आई, एंड शी इज अ लिटिल, आई वोंट से वो मोटी है, बट थोड़ी सी मुझसे काफी, उनकी फिगर बहुत अच्छी है। तो उसको देख, अपने आप को मिरर में देख के वो बोली कि सरगम, हाउ विल आई गो ऑन स्टेज लाइक दिस, लोग देखेंगे, और वो जज कर दे। एंड देन जब वो स्टेज पे आई, लिटरली उन्होंने स्टेज पे आग लगा दी, बिकॉज वो इतनी अमेजिंग, इतनी कॉन्फिडेंट, इतने अच्छे से उन्होंने वॉक किया, टर्न किया, स्माइल किया। एंड देन एक चीज मैंने रियलाइज करी कि जब तक आप अपने फेवरेट हो ना, आपको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। मैंने तो ये फंडा अपना लिया हुआ है, किसी और को अपनाना है तो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड रियली सास ससुर, मम्मी पापा, ऑब्वियसली इनके साथ फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उन लड़कियों के लिए माय हार्ट गोज आउट टू देम, जो अपनी ही फैमिली में फाइट कर रही हैं अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए। बट और दुनिया की सोचना हमें छोड़ना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर को आगे बढ़ना है तो मैं नहीं कह रही कि स्विम सूट पहन के ही आगे बढ़ सकते हैं, बट स्विम सूट इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने कंफर्टेबल हो बुरी से बुरी सिचुएशन में। आपको कल को जंगल में छोड़ दिया जाए, आपके पास वहां पे ये डिजाइनर कपड़े या ये सब नहीं होगा पहनने के लिए, बट क्या आप उस हो? वो कंफर्ट जज करते हैं, वो कॉन्फिडेंस जज किया जाता है आपका, वो चाहे स्विम सूट हो या आपकी नेशनल कॉस्ट्यूम। अब आप देखिए, मैंने जो नेशनल कॉस्ट्यूम पहनी थी, क्या वो स्विम सूट से ज्यादा कंफर्टेबल थी? नहीं, वो बहुत अनकंफर्टेबल थी। बट येस, दैट वॉज इट, जज वही देखना चाहते थे कि इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी क्या ये अपने फेस पे वो दिखाती है या नहीं दिखाती है। एंड व्हेन दे सॉ दैट आई वाज फ्लॉलेस इन दैट, दे रियलाइज्ड इट एंड दे मेड मी विन। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। चलो, जानते जानते मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि वो जिहड़ी जम्मू कश्मीर दी बच्चियां तोहें ही दिखीए जिहड़ा इंस्पायर होई आ अगे बदना चाहुंदी है, बट किसे चाले पेरेंट्स की गल करा या सोसाइटी की गल करा या रिश्तेदार की गल करा जो उन्हें खिचा दी पिछे कि नहीं नहीं जरूरी नहीं है तुस भी खिताब जीते उड़ा, क्योंकि दिखने ही होंगे कि जिस वेले बंदा कुसे कोई खिताब हासिल करे उड़दा फिर उसी बड़ा प्रेज कर दे, फिर उड़े पिछे पिछे जांदे, पिछे पाए उड़ी गल्ला करा रहे सामने उसी जाई बुके देंदे, पर जे वो बंदा उस खिताब की नहीं हासिल कर पाया तो फिर उड़ी जे तरह फेरी उड़दे। तो ओह लिए बच्चियां की तुस के बोलिए कॉन्फिडेंस जरा देगे उन्हेंगी, थोड़ा उन्दे च भी आद ना कि उन्हें के ऐसी एनर्जी देगे ती ओ भी जड़ियां अपने मां प्यो कन्ने उन्हेंगी कन्विंस करी सकन पहली गल कि ए कोई बुरा काम नहीं है, ए बड़ा अच्छा काम है, और अहें अपने मां प्यो दे कन्ने कन्ने अपने देश का भी नां रोशन कर रहे हैं। उन्हेंगी मोटिवेट करन ताई के आखगे, और उन लोकें की उस सोसाइटी जिहड़ी अल्ले भी सोच जिहड़ी है बड़ी पिछे है उन्हें के जवाब देगे? ब्यूटी पैजेंट्स और मॉडलिंग दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग इसको एक ही फील्ड समझते हैं और उनको लगता है कि मॉडलिंग है तो फोटोज खींचेंगे, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनेंगे। ब्यूटी पैजेंट की जब हम बात करते हैं तो अब सबसे पहले तो ये चीज लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी का मतलब सिर्फ ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी का मतलब ब्यूटी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी इज वेरी होलिस्टिक। हम हमेशा कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं कि अगर ये ब्यूटीफुल, ये सुंदर है तो इसका दिमाग नहीं होगा। सुंदर लड़कियों का दिमाग नहीं होता, ये बहुत, ये ऐसी स्टेटमेंट बहुत सुनी है,
बट क्यों नहीं हो सकता, क्यों एक औरत सुंदर और इंटेलिजेंट नहीं हो सकती? ब्यूटी पैजेंट्स में वही जज किया जाता है. ब्यूटी पैजेंट्स आपको अवेयर करते हैं आपके 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 करंट अफेयर्स के बारे में. ब्यूटी पैजेंट्स आपको यूथ को हेल्प करने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं. आज अगर मैं पॉपुलर हूँ, आज मेरा इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक देख के लोग सोच रहे हैं कि वाह अब तो ये बहुत पॉपुलर हो गई, बट उस पॉपुलैरिटी को मैं यूज कर सकती हूँ बहुत लोगों को जागरूक करने के लिए. एंड आई फील ये सब मुझे ब्यूटी पेजेंट ने दिया है. आज अगर मैं यहाँ बैठ के आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा दिल दुख दुख नहीं कर रहा है और मैं बहुत आराम से बैठ के ये एग्जैक्टली तो ये कॉन्फिडेंस मुझे ब्यूटी पेजेंट से मिला है. मेरे पिता की ड्रीम पूरी करी मैंने, उनको उनको वो उनको ऐसा फील कराया कि आज लोग उनको मेरे नाम से जानते हैं. ये ड्रीम मेरी पेजेंट्स ने पूरी करी है. तो पेजेंट आपको सिर्फ बॉलीवुड का दरवाजा नहीं खोलता, आपके लिए बहुत सारे और दरवाजे खोलता है. मैं आज ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके बोल रही हूँ, कॉलेज के बच्चों से बात कर रही हूँ, लोग मेरे पास आके मुझे बोलते हैं कि मैम यू नो आपकी बातें सुन के मैं इतना इंस्पायर हुई हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है. देयर वॉज वन गर्ल हु केम टू मी एंड सेड मैम यू नो आपने जो अभी ये बात करी कि पहले अपनी अपनी एजुकेशन पूरी करो और फिर शादी के बारे में सोचो, पहले अपनी जॉब पे फोकस करो, पहले इंडिपेंडेंट हो जाओ फिर शादी के बारे में सोचो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टू माई पेरेंट्स. तो ये सारी चीज़ें सुन के ऐसा लगता है कि हाँ शायद मैं कुछ बदलाव ला पा रही हूँ. और ये सब बदलाव ब्यूटी पैजेंट की वजह से आया है, क्योंकि मेरे पास वो कॉन्फिडेंस, वो आवाज़ है. तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस, ट्रस्ट मी. सबसे बड़ी बात, इट्स ऑल वुमेन एवरीवेयर, इट इज वुमेन. आपका आपका आप मेरी नेशनल एम्पावर्ड औरतों से भरी है, तो आप तो यू शुड फील लकी कि यू आर गोइंग देयर एंड यू आर लर्निंग सो मच. आई लर्नड अ लॉट एंड आई एम श्योर द यूथ ऑफ आर कंट्री विल. एंड जम्मू की लड़कियों से भी यही कहूंगी कि इफ यू आर प्लानिंग टू परस्यू एनी सच फील्ड, स्पेशली ब्यूटी पेजेंट, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट वंस इन लाइफ. मैं बहुत अगेंस्ट थी पहले एक टाइम पे कि यू नो इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव. ये तो तुसा आके कि पापा रा ड्रीम है, तू ही के सोच रहा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये करूंगी, मुझे बड़ा ऑब्जेक्टिफाइंग लगता था ये. मतलब के सोच रहा कि के करना पड़े? मुझे तो टीचिंग करनी थी. मैं ये पूछने वाली हूँ कि पेरेंट्स काफी बोल देना कि वो ठीक है 9 बजे जाओ 2 बजे कुड़ी घर, तो तुंदे घर नहीं होया, पर इधर उल्टा ही होया कि बापू चाहते है कि कुड़ी जड़ी है मेरी कोई शैल खिताब चुकी ले जाए, और धी चाहती है कि ठीक है यार शामी कार आई हो. जी 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 हाँ ऐसा था, बट ठीक है, पापा की ड्रीम पूरी करके ज्यादा अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. हाँ. बहुत बहुत शुक्रिया तुंदा. ते तुसे सुनिया कि के किशन दा आखना हा, किया किया इन्हें मोटिवेट किता, किया इन्हें अपने एक्सपीरियंस जड़ा वो शेयर किता है कि जड़ी बच्चियां दिखा कर दिया ना वो जरूर इन्दे कोला किश सीखन. आज तुसी देख ही सकते हो कि किन्नी किन्ना कॉन्फिडेंस जेड़ा उम्मीद दिखने की थो आ रहा है कि सवेरे दे बैठे थे ना मेरे हिसाब कन्ने, मेरे तो मेरे को ना पहले को 30 बंदे आए होने रिपोर्टर जेड़े इंदे कन्ने गलबात की थी. मजाल है कुड़ी थकी हुई, मजाल है इस कुड़ी दा वो जेड़ा पोस्चर हुंदा ना कि वो जेड़ा तो है बोला एक ग्रेस हुंदी है, वो 2 मिंट ताईं वी मुंडे जेड़े हो टिलके रहे हो आह कख नहीं, एक खाली तां गे की के कॉन्फिडेंस जेड़ा परदा. तो मैं पेरेंट्स की भी यो आगी कि तुंदा बच्चा जेड़ी भी फील्ड च जाना चाहंदा है प्लीज उसी सपोर्ट करो. जे तुस ओरे पैशन की सपोर्ट करगे तो बच्चा तुंदा नाम जेड़ा जरूर रोशन करगा. जे तुसी उसी जबरदस्ती धक्के मारी मारी सरकारी नौकरी वाली बक्खी जेड़ा बाड़ने की कोशिश की तो कम तो करगा अगला, पर दिलों खुश जेड़ा वो बिल्कुल नहीं होगा. तो उम्मीद करनी है एक गल्ला जड़ी है तुस खाली